सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बीते दिनों दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। सोमवार को कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार का घेराव करेगी। कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए 27 जून यानी कि सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सभी विधानसभाओं में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी तर्ज पर हमारे सभी विधायक सांसद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 27 जून को अपने अपने राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा। ये तोड़ मरोड़ के कभी कोई चेंज ये दिखाता है कि आपका थॉट्स है। ये लोग कहां जाएंगे, इन लोगों को कहां में नौकरियां मिलेंगी, इसके बारे में आपने क्या प्रयोजन किया है। जब प्रदर्शन होता है तो आप एज लिमिट बढ़ा देते हैं, 21 से 23 कर देते हैं। जब प्रदर्शन और तूल पकड़ता है तो आप कहते हैं अच्छा यहां पे रिजर्वेशन कर देंगे। हर चीज आफ्टर थॉट है। आपने अगर ढंग से बैठकर तर्कसंगत तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी को देखकर विशेषज्ञों से बात करके बनाया होगा तो जो जनरल कभी आपको सपोर्ट करते थे आज वो आपके खिलाफ पड़ खड़े हुए हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि ये सियाचिन के जो नायक थे उनको भी देशद्रोही करार दे देंगे। कैप्टन बाला सिंह ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये सत्यानाश कर देगा आर्मी का, इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तो जिन लोगों ने जाबाजों ने इस देश की सेवा करी है उनकी तो बात सुनिए। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर लगातार लोगों के साथ खड़ी रहेगी, युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। पहले हमने 20 जून 2022 को जंतर मंतर दिल्ली में और विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और कल, और हम इसके बारे में राष्ट्रपति जी से भी मिले, कल 27 जून 2022 सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे सभी राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे और इस सोती हुई सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा बदलना, थोड़ा ये करना तुगलक की फरमान भारत की सेना के साथ खिलवाड़ किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे के साथ अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश और सेना से धोखा बताते हुए कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।